हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग की शुरुआत होती है चाय से। और अभी सुबह ही मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले, तो उठते ही मुझको चाय मिल गई है, तो फिलहाल मैं अभी चाय पीता हूँ। प्यारी मम्मी तो सुबह से ही खाना बनाने लगते हैं, क्योंकि पापा को जाना होता ऑफिस, तो अभी बना रही हैं। क्या बना रही हो? नहीं हम भी जाते हैं, लेकिन कभी कभार जाते हैं। पापा रोज जाते हैं ना, जल्दी 10 बजे निकल जाते हैं, तो मम्मी को जल्दी से खाना रेडी करना पड़ता है। तो अभी बन रही है, फिलहाल में क्या बन रही है? खीर खीर बन रही है, दाल चावल और दाल चावल की तैयारी हो रही है। चाय तो हो गई है, और अब फिलहाल मम्मी से थोड़ा मस्ती होती है। मजाक। और मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी क्या कह रही थी? मारने के लिए कैसे? देखो, मार रही है। अरे पगलू, हाँ ठंडी है। तो गाइस, आज का जो मौसम है बहुत ही बेहतरीन मौसम है, क्योंकि इतना ठंडा है कि बाहर कोहरा कोहरा है, धूप नहीं निकली है, बदली छाई हुई है। मम्मी तो अपना बिंदास खाना बना रही हैं, और मैं अपने रूम चलाया, रजाई में घुस गया, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है, बाहर धूप नहीं निकली है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मौसम है। इतना गजब मौसम है, बस धूप नहीं है, कोहरा कोहरा तो नहीं है, लेकिन बदली टाइप है, बारिश के आसार हैं। तो मैं आपको फिलहाल दिखाता हूँ, देख लीजिए कितना बदली टाइप मौसम है, पूरा ठंडा ठंडा है, कहीं भी धूप के नामो निशान नहीं है। और ये रहा मेरा घर, जो कि ये बालू पड़ी हुई है, अभी ऊपर काम लगना है ना छत पर, तो इसलिए बालू आ चुकी है। बाकी आप देख लो, मौसम एकदम ठंडा है, कहीं बाहर निकलने लायक नहीं है। बिना मजबूत कपड़ों के आप बाहर नहीं निकल सकते, इतना ठंडा मौसम है। मैं खुद आज जाने वाला था फतेहपुर, लेकिन नहीं गया, क्योंकि ठंडा मौसम है। तो एक सोच रहा हूँ कार से चला जाऊँ, लेकिन फिलहाल दो चार काम यहीं खागा में है, तो नहीं जा पाऊँगा अभी। जिस दिन जाऊँगा आपको फतेहपुर का टूर पूरा फिर दिखाऊँगा। काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ नहा लूँ, तो आपसे नहाने के बाद मिलता हूँ। A few moments later. गाइस, शाम का वक्त है, और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ अपनी बाइक की सर्विस करवाने, क्योंकि बाइक काफ़ी चल गई थी, सर्विस के ऊपर थी, तो मैं सोच रहा था सर्विस करवा दूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला इतना टाइम लग रहा है सर्विस में। 3 बजे आ गया था घर से, तो 3 बजे से अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, 3 घंटे हो गए, अब जाके नंबर आया है तो गाड़ी सर्विस हो रही है। और हाँ, आपको एक बात बता दूँ, जो बीच का मैंने ब्लॉग शूट किया था यार, वो डिलीट हो गया है। बहुत दुख हो रहा है यार, अब क्या करूँ। तो इसीलिए थोड़ा हो सकता है आज का ब्लॉग फिर भी छोटा रहे, फिर भी लेकिन कोशिश करूँगा कि ब्लॉग काफ़ी तैयार कर दूँ। और ये रोड पर हूँ ना, तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी आपके बीच में, कि गाड़ियाँ निकल रही है ना, तो इसीलिए इनकी आवाज़ आ रही है। मैं आपको दिखा दूँ कि सर्विस हो रही है बाइक में। गाइस, आपने देखा कि गाड़ी की सर्विस तो हो रही है, हो आई है, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है इसमें, तो सर्विस जल्दी से हो जाए, इसके बाद घर के लिए निकलता हूँ। अरे बंद है इधर तो दरवाजा। तो फिलहाल गाइस घर आ चुके हैं, लेकिन उधर का दरवाजा बंद था, और इधर देखता हूँ खुला तो है। मम्मी किधर हो? तो मम्मी लोग तो टीवी देख रही हैं मस्त। मम्मी तो अपना सो गई थी मेरे आते आते, इतनी जल्दी सो गई हो? नहीं सोई हो? मम्मी सो रही है, कह रही नहीं सो रही है, देख लो झूठ बोल रही है, झूठ ना बोला करो। गाइस, हम तो घर आ चुके हैं, और देखिए ठंड से बचने के लिए ये लोग तो मोबाइल लेकर रजाई में घुस के अपना देखते रहते हैं मोबाइल, कुछ ना कुछ, ये तो नहीं पढ़ाई करता है, ठीक है, कुछ गलत मत समझना। राहुल है जो पढ़ाई करता रहता है, और मैं हूँ जो मनोरंजन करता रहता हूँ, खूब मस्ती करता हूँ, मुझसे ज़्यादा मस्ती करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। आज घर में अकेले हूँ, तो पूरे घर में खूब तेज तेज चिल्ला रहा हूँ, देख लो पूरा अंधेरा हो चुका है, सब कुछ लाइटें बंद हो गई हैं, और अब मैं अपने रूम जाता हूँ। तो ये बिखरा हुआ पड़ा मेरा रूम है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, इसमें क्या पार्सल आया है? तो गाइस देखता हूँ इसमें क्या आया है आज। तो गाइस, इसमें आया है बोया का हेडफोन, जो कि अभी परसों नरसों ही ऑर्डर किया गया था। इसका क्या है मॉडल?
बोया का मॉडल नहीं समझ। हाँ बोया 370 है फिलहाल, देखते हैं इसमें कैसी साउंड क्वालिटी रहती है। वैसे टेस्ट किया था बोया, सॉरी बोया बोल रहा था, बोट का है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसकी साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हैं, मैंने एक बार यूज किया था काफ़ी टाइम पहले जो ख़राब हो गया है, इसलिए मैंने यही दोबारा मंगाया है। बहुत बेटर क्वालिटी में साउंड देता है इसका। तो यही था आज का पार्सल जो कि मैंने मंगाया था। घर आने बाद तो अक्सर सभी लोगों को भूख लगी जाती है, बट मुझे क्या होता है भूख मेरी लगती नहीं है। मैं मार्केट में थोड़ा बहुत खा लेता हूँ ना, अभी जब घर में आए तो हल्का सा खाया है खाना, थोड़ा सा सब्जी रोटी खाया हूँ, बाकी कुछ भी नहीं खाया। और एक बात बता दूँ, मुझे थोड़ा वक्त कम मिल पाता है ब्लॉग बनाने के लिए, इसलिए मेरे जो ब्लॉग हैं वो थोड़ा छोटे छोटे आते हैं। जिस दिन मुझे वक्त मिल जाता है काफ़ी, तो उस दिन काफ़ी बड़े बना देता हूँ, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट के बना देता हूँ। अभी तो क्या बनता है 5, 6, 7, यही कुछ रेशियो रहता है मिनट का, तो इसलिए बहुत छोटे ब्लॉग हैं। गाइस मेरे ब्लॉग में पता नहीं क्या है, व्यूज आते ही नहीं ज़्यादा, मैक्सिमम 50-60 आ जाते हैं, बहुत है। बट मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज कितने आते हैं, बट इतना अच्छा लगता है कि लोग देखते तो हैं कम से कम। मेरे 2 दिन में 50 व्यूज पहुंचते हैं, जैसे आज सुबह डाला हूं तो कल सुबह तक मान के चलिए 50 पहुंच जाते हैं, या तो कल शाम तक 50 पहुंचेंगे व्यूज। लेकिन मुझको अच्छा लगता है डेली वीडियो बनाना, और मैं रेगुलर ही वीडियो बनाऊंगा। अगर जिस दिन टाइम नहीं मिलेगा उस दिन भले ही बनाऊँ, छोटा वीडियो बनाऊँ, बट बनाऊँगा ज़रूर। आप लोग भी ऐसे खूब मस्ती करते रहिए और घूमते रहिए मेरी तरह, जैसे मैं घूमता रहता हूँ और मज़ा भी आता है वैसे। गाइस मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।